हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो यह किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को, हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि असंगत कथन बताना है। नमक का दरोगा प्रेमचंद, मियाँ नसीरुद्दीन कृष्णा सोबती का है, जामुन का पेड़ कृष्णा चंद्र का है, आत्मा का ताप कृष्णनाथ का है। तो इसमें असंगत बताना है, संगत कौन कौन से हैं। तो नमक का दरोगा जो है प्रेमचंद का है, मियाँ नसीरुद्दीन वो कृष्णा सोबती का है, जामुन का पेड़ जो है वो कृष्णा चंदन का है, और ये आत्मा का ताप कृष्णनाथ का नहीं है। यही क्या है, इसमें असंगत है, इसलिए ऑप्शन द वाला यानी चौथा वाला बिल्कुल सही होगा। दूसरा प्रश्न है, इसमें भी असंगत बताना है कि रजनी मनु भंडारी का है, गलता लोहा शेखर जोशी का, विदाई संभाषण बाल मुकुंद गुप्त का है, कि भारत माता महात्मा गांधी का है। तो इसमें देख रहे हैं सभी जो है प्रश्न वो संगत है, भारत माता जो है महात्मा गांधी का यही असंगत है, और बाकी इसमें सारे जो प्रश्न है वो संगत है। अगला प्रश्न है तीसरा वाला कि रचनाएं उनके पात्रों के संबंध में असंगत कथन बताना है। इसमें असंगत बताइएगा, वशिंधर जो है नमक का दरोगा है, लाटकर जो विदाई संभाषण, मोहन गलता लोहा, और लूपीदीन स्पीति में बारिश। तो यही द वाला जो है यही असंगत है, और बाकी अबसा ये तीनों क्या है, संगत प्रश्न है। अगला है चौथा प्रश्न कि नमक का दरोगा के संबंध में असंगत कथन क्या है। तो नमक के दरोगा में जो असंगत कथन वो ब वाला है, यानी कि यह यथार्थवादी कहानी है। तो इसमें यही वाला गलत है, क्योंकि नमक का दरोगा यथार्थवादी नहीं है, बल्कि अंतिम में जाकर के आदर्शवादी कहानी बन जाती है। अ वाला बिल्कुल सही कि इसका जो प्रकाशन है वो 1914 में हुआ था। स वाला असत्य पर सत्य की विजय दिखाई देती है, इसमें यह भी बताया गया है। और अंतिम वाला की कहानी के अंत में वंशीधर को स्थायी मैनेजर नियुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न है, इसमें भी असंगत बताना है कि विदाई संभाषण शिव शंभू की चिट्ठी का अंश है, यह वायसराय लाटकर जंग संबोधित कर लिखे गए हैं, यह बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखा गया, यह सभी कथन संगत है। तो इसमें जो पांचवा वाला है, इसमें सभी कथन जो है वो संगत है। छठा है, इसमें भी असंगत बताना है कि इसमें असंगत क्या है। तो स्पीति में बारिश एक यात्रा वृत्तांत है, ये बिल्कुल सही है। स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश के मध्य में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। विदाई संभाषण कहानी की विधा है, तो यही वाला गलत है, विदाई संभाषण कहानी का विधा नहीं, यही असंगत है। और अंतिम वाला है कि लॉर्ड कर्जन ने अपने कार्यकाल में प्रेस पर भी प्रतिबंध लगाया था, तो ये बिल्कुल संगत प्रश्न है। अगला है असंगत, इसमें बताना है कि रजनी 90 के दशक में सुप्रसिद्ध टीवी धारावाहिक रहा है, बिल्कुल सही बात है। इसके निर्देशक जो थे वो बसु चटर्जी रहे, यानी जो रजनी 90 दशक के जो टीवी धारावाहिक थे, इसका जो निर्देशक थे वो कौन थे, तो बसु चटर्जी थे। और इसके व्यवसाय में बंती शिक्षा पर हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है, तो ये जो तीनों बातें ये बिल्कुल सही है, रजनी 90 के दशक के अंतर्गत ये बिल्कुल सही है। तो इसमें द वाला बिल्कुल सही होगा कि इसमें चारों जो कथन है तीनों कथन बिल्कुल संगत है। अगला प्रश्न है, इसमें असंगत बताना है कि भारत माता हिंदुस्तान कहानी का 8वां अध्याय है, इसमें अंग्रेजी रूपांतरण हरिभा उपाध्याय ने किया था, नेहरू ने भारत माता का अत्यंत विराट रूप प्रस्तुत किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन अंतिम वाला जो महात्मा गांधी ने भारत माता का सौंदर्य प्रस्तुत किए थे, इसमें क्या है जो असंगत कथन है। अगला देखते हैं, 9वां प्रश्न है कि आत्मा का ताप आत्मकथात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया, बिल्कुल सही है। इसमें अंग्रेजी अनुवाद मधुबी जोशी ने किया है, आत्मा का ताप जो अनुवाद किसने किया है, तो मधुबी जोशी ने किया है। अगला कि हैदर राजा ने अपने चित्रकला के संबंध में ये बताया है, जो आत्मा का ताप है किसने बताया, तो हैदर राजा ने अपने चित्रकला के संबंध में ये बातें बताया, तो इसमें भी जो है तीनों कथन बिल्कुल संगत है। 10वां प्रश्न है कि प्रेमचंद के संबंध में असंगत कथन बताना है, इनका जन्म 1880 लमई गाँव में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। इनके द्वारा रचित काव्य करबला और प्रेम की वेदी है, इनकी कहानी मानसरोवर 8 भागों में संकलित है, यह हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष कहे जाते हैं। तो इसमें जो असंगत कथन है वह ब वाला है, इसमें जो काव्य करबला और प्रेम की वेदी ये रचित काव्य इनका नहीं है। अगला प्रश्न है कि कृष्णा सोबती के जन्म के संबंध के बारे में बताना है, कि इसमें कृष्णा सोबती का कौन सा संगत असंगत है। तो कृष्णा जो सोबती का जन्म जो 18 फरवरी 1925 को हुआ था, ये बिल्कुल सही है। जिंदगी नामा समय सरगम इनकी कहानी संग्रह है, ये क्या है, इसमें गलत है। जो जिंदगी नामा समय सरगम है ये कहानी संग्रह नहीं बल्कि उपन्यास है। अगला है कि साहित्य क्षेत्र में इनका यादगार चरित्र शानी और मित्रो हशमत है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें जो है ब वाला जो है संगत वो गलत है। अगला प्रश्न है कि अखबार चुनार का संपादन किसने किया था। 12वां प्रश्न है कि अखबार चुनार का संपादन किसने किया, तो अ वाला सही है, बाल मुकुंद गुप्त, यानी ऑप्शन तीसरा, बाल मुकुंद गुप्त ने अखबार चुनार का संपादन किया था।
अगला प्रश्न है कि मनु भंडारी के बारे में बताना है कि असंगत कथन कौन सा है। तो मनु भंडारी का जन्म 1931 के मध्य प्रदेश में हुआ था। आपका बंटी और महाभोज इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। तीन निगाहों की एक तस्वीर इनका नाटक है। इनके साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी मिला। तो इसमें जो गलत है वो तीसरा वाला गलत है, यानी तीन निगाहों की एक तस्वीर इनका नाटक नहीं है। अगला प्रश्न है कि 14वां ग्रेड ऑफ ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑर्डर्स एंड लेटर सम्मान किसे मिला है। तो ये चीज़ बताना है किसे मिला है, तो ऑप्शन बी वाला यानी सैयद हैदर रजा को यह जो सम्मान है मिला है। अगला प्रश्न है कि 15वां प्रश्न है कि सड़क वापस आती है, आसमान रोशन है, ये किसकी रचना है। तो ये जो रचना है वो किसकी है, तो कृष्ण चंदन की रचना है। अगला प्रश्न है कि फ्रांस का लेजेंडरी ऑनर सम्मान किसे मिला है। तो ये जो सम्मान है ये सत्यजीत राय को मिला है। अगला प्रश्न है कि पांथेर पंचाली का प्रदर्शन कब हुआ, तो 1955 में पांथेर पंचाली का प्रदर्शन हुआ। अगला प्रश्न है कि दाजू कहानी किसके द्वारा लिखी गई जिस पर फिल्म भी निर्मित है। तो दाजू कहानी जिस पर फिल्म भी बनाई गई है तो किसने लिखी है, तो शेखर जोशी ने। अगला प्रश्न है कि बौद्ध दर्शन की ओर झुकाव किस लेखक का था, तो बौद्ध दर्शन का झुकाव कृष्णनाथ का लेखक का था। अगला प्रश्न है कि इनमें से हास्य व्यंग्य रचना कौन सा है, नमक का दरोगा, जामुन का पेड़, स्पीति में बारिश या उपयुक्त सभी। तो इसमें जो हास्य व्यंग्य रचना है वह जामुन का पेड़ है। किसने लिखा है जामुन का पेड़, तो कृष्ण चंदर ने लिखा है। अगला प्रश्न है कि 21वां चित्रकला के संबंध में अपनी सफलताओं और असफलताओं को किस पाठ में दर्शाया गया है। तो आत्मा कथा यानी ब वाला है, बी वाला ऑप्शन, आत्मा कथा में क्या दिखाया गया है, सफलता और असफलता का पाठ बताया गया है। अगला प्रश्न है कि जाति व्यवस्था पर टिप्पणी किसने अपने पाठ में की है। तो जाति व्यवस्था पर टिप्पणी किसने की है, तो शेखर जोशी ने अपने काव्य संग्रह में किया है। अगला प्रश्न है 23वां प्रश्न है कि भारत रत्न के साथ फिल्मों के सभी श्रेष्ठ अवार्ड किसे प्रदान किए गए। तो सत्यजीत राय को भारत रत्न के साथ साथ फिल्म के सभी श्रेष्ठ अवार्ड प्रदान किए गए। अगला प्रश्न है कि कोसी घटवा जो है किसकी रचना है, तो शेखर जोशी की यह रचना है। अगला प्रश्न है कि उनकी कहानियों में नई कहानी आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व कौन किया है। यह कथन किसके लिए है, तो यह शेखर जोशी के लिए। क्या कथन दिया गया कि उनकी कहानियाँ जो है नई कहानी के आंदोलन के प्रगतिशील पक्ष का प्रतिनिधित्व करती है। तो यह जो कथन है यह शेखर जोशी के द्वारा है। अगला प्रश्न कि कबीर दास जी के जीवन परिचय के संबंध में असंगत कथन क्या है। तो इनका जन्म जो है 1398 के उत्तर प्रदेश वाराणसी में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। बीजक इनका ग्रंथ है, ये भी बिल्कुल सही है। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1518 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये सगुण पंथ के नहीं बल्कि किस पंथ के थे, निर्गुण पंथ के थे। तो ये इसमें जो है असंगत हो गया। अगला प्रश्न है कि कबीर दास के संबंध में असंगत कथन बताना, इसमें भी कबीर दास के बारे में बताना है। ये कर्मकांड वेद विरोधी थे, ये बिल्कुल सही है। इन्होंने जाति भेद के स्थान पर प्रेम को महत्व दिया, ये भी बिल्कुल सही है। इन्हें अक्षर का ज्ञान नहीं था, सभी कथन संगत है। तो इसमें जो तीनों है ये बिल्कुल सही है हुआ, इसलिए ऑप्शन डी यानी द वाला सभी कथन क्या है वो संगत है। अगला प्रश्न 28वां कि मासी कागज छुई नहीं कलम गई नहीं हाथ, ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी है, तो कबीर दास ने ये पंक्ति लिखी है। अगला प्रश्न है कि मीरा के संबंध में असंगत कथन बताना है कि मीरा का जो जन्म है वो 1496 कुड़की नामक गांव में हुआ था। और मीरा के बारे में बताया कि 1546 में मीरा की मृत्यु हुई थी और मीरा के जो प्रमुख रचना है नरसिंह का मायरा और मीरा पदावली है। तो सभी कथन संगत है। इसमें असंगत क्या है, तो पहला वाला ही असंगत है, यानी मीरा का जन्म 1496 में नहीं हुआ था। तो इसमें जो असंगत है वो पहला वाला अ वाला है, वो असंगत है, और बाकी जो क्या है संगत है। अगला प्रश्न है कि मीरा कृष्ण की भक्ति किस रूप में करती थी, पति के रूप में, कांता के रूप में, सगुण के रूप में। तो सभी उपयुक्त सभी प्रकार सही होगा, यानी पति के रूप में भी करती थी, कांता के रूप में, सगुण के रूप में, यानी वो श्रृंगार रूप से उनका जो गुण था वो श्रृंगारिक था। अगला प्रश्न है 31वां प्रश्न कि चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट सहने के बाद मीरा कहाँ चली गई। तो कहाँ चली गई थी, मेड़ता मतलब मेवाड़ में चली गई थी। अगला प्रश्न है कि मीरा के संबंध में असंगत कथन बताना है कि मीरा के संगत में क्या गलत है।
तो मीरा की कविता में प्रेम गंभीर अभिव्यंजना ये सही है, मीरा की कविता में विरह की वेदना ये भी बात सही है, मीरा की कविता का जो प्रमुख गुण है वो सरलता और सादगी ये भी सही है, तो मीरा की भाषा अवधि यही क्या है इसमें गलत है, मीरा की जो भाषा थी जो उनकी रचना है जिसमें वो काव्य करती थी वो अवधि ना होकर क्या थी राजस्थानी थी। अगला प्रश्न राजस्थानी और ब्रज थी। अगला प्रश्न है कि मीरा ने अपने काव्य के लिए किस भाषा को चुना, राजस्थानी और ब्रज को चुना। अगला प्रश्न कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर की रचना किसकी है, तो कुमार गंधर्व नामक वो हैं रचनाकार है, तो उन्होंने लता मंगेशकर नामक भारतीय कविताओं की गायिकाओं की रचना की है लता मंगेशकर के नाम पर। अगला प्रश्न है कि राम नरेश त्रिपाठी के संबंध में असंगत कथन क्या है, तो राम नरेश का त्रिपाठी का जन्म जो है 1881 के जौनपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचना है वो मीला ने पथे के स्वप्न मानसी है ये सही है। अगला जो है स्वप्न फुटकर काव्य संग्रह ये क्या है गलत है, स्वप्न जो है फुटकर काव्य संग्रह नहीं है, तसंगत यही कथन है और ये खड़ी बोली के प्रमुख कवि माने जाते हैं ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि राम नरेश त्रिपाठी की जो रचना है वे कविता कौमुदी कितने भाग में प्रकाशित की गई, तो 8 भागों में कविता कौमुदी नामक को प्रकाशित किया गया है 8 भागों में। अगला प्रश्न है कि बाल साहित्य पत्रिका वानर का प्रकाशन किसने किया था, तो राम नरेश त्रिपाठी ने वानर नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। ये क्या है वानर, तो ये बाल साहित्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत के संबंध में असंगत कथन बताइए, सुमित्रानंद का कौन सा इसमें गलत होगा, तो इनका जन्म 1907 में हुआ था ये बिल्कुल गलत है, शायद इनका जन्म जो 1907 नहीं बल्कि 1900 में हुआ था, तो इसमें ये वाला गलत है, इनका जो मूल नाम है वो गुसाई दत्त था सही है, इनकी मृत्यु 1977 इसमें ये भी सही है, ये प्रकृति के सुकुमार कवि या चित्र भी कहे जाते थे ये भी बिल्कुल राइट है, तो इसमें असंगत क्या है पहला वाला गलत है। अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सा गत सुमित्रानंद का नहीं है, तो वीड़ा है पल्लव है गुंजन है ये तीनों क्या है सुमित्रानंद का, रश्मि रथी किसका है आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न कि ताज और वे आंखें रचना किसकी है, तो ये किसकी रचना है ताज और वे आंखें, तो सुमित्रानंद की रचना है। अगला प्रश्न है 41वां कि सुमित्रानंद पंत की कविता आंखें और हिंदी साहित्य की किस कालखंड में रखी गई, तो यह जो है आंखें किस काव्य खंड में रखी गई, तो प्रगतिवादी खंड में यह रखी गई है। अगला प्रश्न है कि आंखें है जो वो जो आंखें नामक इनकी जो रचना है कविता है उसके बारे में असंगत कथन बताना है, तो इसमें असंगत कथन क्या है पहला वाला है कवि ने शोषित व्यक्तियों को मार्मिक चित्रण किया ये बात सही है, किसानों की दुर्दशा को दिखाया भी गया है ये भी बात सही है, शोषक और शोषितों के मध्य क्या अंतर्द्वंद दिखाया गया, तो इसमें जो तीनों कथन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न है कि भवानी प्रसाद के मिश्र के बारे में संगत कथन बताना है, तो इनका जन्म 1911 में हुआ था सही है, इनकी मृत्यु 2005 में हुई थी और इन्होंने सतपुड़ा के जंगल में इनकी प्रसिद्ध रचना है, इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी, तो सतपुड़ा के जंगल में इनकी प्रसिद्ध रचना है, तो इसमें क्या है इसमें संगत कथन कौन सा है, तो सतपुड़ा के जंगल इनकी प्रसिद्ध रचना यही संगत है और बाकी क्या है असंगत है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य जगत और गांधी जी के मध्य सेतु का कार्य किसने किया, तो भवानी प्रसाद मिश्र ने मतलब सेतु का कार्य किया, हिंदी साहित्य जगत और गांधी जी के बीच का कार्य किसने किया, तो भवानी प्रसाद मिश्र ने। अगला प्रश्न है कि वासुदेव सिंह किस कवि का मूल नाम था, तो त्रिलोचन, वासुदेव सिंह का मूल नाम क्या था त्रिलोचन, हिंदी में सॉनेट छंद स्थापित करने वाले कवि कौन थे, तो त्रिलोचन थे, हिंदी में सोनेट छंद को स्थापित करने वाले कवि कौन है, तो त्रिलोचन है। अगला प्रश्न है कि सूर्य का स्वागत आवाजों के घेरे साय में धूप प्रमुख काव्य संग्रह किसका है, तो ये दुष्यंत कुमार त्यागी का ये काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि एक कंठ विश्वाई किसका गीति नाट्य है, तो ये दुष्यंत कुमार त्यागी का यह गीति नाट्य है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की गजल विधा का प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये दुष्यंत कुमार त्यागी यह गजल के प्रतिष्ठित कवि के रूप में जाने जाते हैं दुष्यंत कुमार त्यागी, तो ऑप्शन बी वाला सही है। अगला प्रश्न है अक्क महादेवी के संबंध में असंगत कथन बताइए, तो सबसे पहले ये जानिए कि महादेवी को और क्या नाम से जाना जाता है, तो अक्क नाम से भी जाना जाता है। इनकी प्रमुख रचना क्या है वचन सौरभ भी है जिसका अंग्रेजी में अनुवाद स्पीकिंग ऑफ शिवा द्वारा किया गया, स्पीकिंग ऑफ शिवा के नाम से किया गया किसके, तो वचन सौरभ का जो अनुवाद है वो स्पीकिंग ऑफ शिवा के नाम से किया गया। यह शैव आंदोलन के जुड़ी हुई प्रमुख कवित्री हैं सभी कथन संगत है, इसमें जो तीनों जो कथन है वो बिल्कुल संगत है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही और भी हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।